सेक्सुअल हैरेसमेंट। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुताबिक 2015 में 97,000 सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस दर्ज किए गए। दैट मींस 8,000 केसेस पर मंथ एंड 270 केसेस पर डे। एंड इफ आई एलैबोरेट मोर दैट मींस 1 case in every 5 minutes, यानी हर 5 मिनट में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी, अगर कोई आदमी आपको नंबर 1 फिजिकली कॉन्टेक्ट करता है या आपकी मर्जी के बिना आपको टच करता है गलत इरादे से, या नंबर 2 आपको रिक्वेस्ट करता है या डिमांड करता है कि आप उसे सेक्सुअल फेवर्स दें, फॉर एग्जाम्पल थ्रू ईमेल्स, लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स, आपको प्रेशराइज करता है कि आप उसे सेक्सुअल फेवर्स दें, या नंबर 3 आपको पोर्नोग्राफी यानी एडल्ट फिल्म्स दिखाता है आपकी मर्जी के खिलाफ आपके मना करने के बावजूद, उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन, या सजा और फाइन दोनों। नंबर 4, इफ ही मेक्स सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर कोई गंदा जोक क्रैक करता है या आपके ऊपर कोई गंदा कमेंट करता है आपकी फिजिकल बॉडी पे या फिजिकल पर्सनैलिटी पे, या आपके बारे में कोई गंदी अफवाह या रूमर फैलाता है, उसे 2 साल तक की सजा या फाइन, या सजा और फाइन दोनों हो सकती है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड इन 2017 बाय इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन, इट वाज फाउंडेड दैट 70% लड़कियां सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाती है। एंड इट वाज आल्सो रिपोर्टेड दैट 74% जो आदमी है वो अपनी सुपीरियर पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। And 74% is a large number. And इसी वजह से 2013 में Sexual Harassment of Women at Workplace Act पास किया गया था। इस एक्ट के अंदर वर्कप्लेस यानी कार्यस्थल का मतलब सिर्फ प्राइवेट कंपनीज से ही नहीं है, इसका मतलब है हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं, नर्सिंग होम्स, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम्स, कॉम्पिटिशन एंड गेम्स वेन्यू, educational institutions with teachers as well as students of schools and colleges. Now, what are the legal remedies to stop sexual harassment? Company join करते समय आपको एक agreement मिलता है। उस agreement में company या organization की सारी important guidelines होती है। And by law, companies को sexual harassment की policy बनाना mandatory है। But अगर आपके agreement में ऐसी कोई policy नहीं है, तो आप अपने superior या HR को contact कर सकते हैं और उसे complain कर सकते हैं। And keep in mind that complaint 3 महीने के अंदर अंदर करनी है जब वो incident हुआ। And make sure आपकी complaint में location, date, working hours, etc. सारी important details mention हो। And एक personal suggestion जो मैं आपको देना चाहूंगा कि जो भी आप complaint करो, try करो verbally ना करो, on paper करो, writing में करो, because paper trial is must, because आगे चल के आपको इससे benefit मिलेगा। Wake up beauties, it's time to be a beast.